हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम साबूदाना खिचड़ी, जिसे हम व्रत में खाते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। हमारी खिचड़ी बहुत ही खिली खिली सी बनेगी, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। जिसके लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना बहुत ही बारीक वाली या बड़ी वाली नहीं लेंगे हम, मीडियम साइज की साबूदाना लेंगे। साबूदाना को 3 बार हम अच्छी तरह से धो लेंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, हल्के हाथों से इसे धो लेंगे। साबूदाना को हम जितनी बार धोएंगे इसका पानी सफ़ेद ही निकलेगा। साबूदाना के बारीक कण होते हैं ना, वो टूटे हुए साबूदाना में चिपके हुए होते हैं, बस हमें उसे निकाल लेना है। साबूदाना को धोकर मैंने उसका पानी अच्छे से गिरा लिया है। जब हम साबूदाना को धोते हैं उस समय ही साबूदाना हल्का पानी सोख लेती है, इसीलिए हम साबूदाना को फुलाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1/3 कप पानी डालकर हम साबूदाना को फूलने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि साबूदाना में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो साबूदाना बहुत ज़्यादा फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। हमारी साबूदाना अच्छे से फूल गई है और बहुत ही खिली खिली है। मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मैंने 3 छोटे उबले हुए आलू लिए हैं, मैं इन्हें बड़े पीसेस में काटूंगी। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा काट सकते हैं। उबले हुए आलू की जगह पे आप कच्चे आलू भी ले सकते हैं, पर इसे पकाने में वक्त लगेगा। एक टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ता लेंगे हम। टमाटर को बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे, इसे मैंने मीडियम साइज के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च और धनिया पत्ता को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप बिना टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता के भी बना सकते हैं। बर्तन में 1 टेबलस्पून घी लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च, जैसे ही जीरा चटकने लगे हम 1/3 कप मूंगफली डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही मूंगफली चटकने लगेगी। मूंगफली चटकने लगी है, अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे। आलू को 2 से 3 मिनट भून लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जीरा और घी के साथ जब हम आलू को भूनते हैं तो आलू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आलू को हमने भून लिया है, अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ नमक नहीं डालेंगे हम, अगर नमक के साथ टमाटर को फ्राई करेंगे हम तो टमाटर बहुत ज़्यादा गल जाएगी। टमाटर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ही टमाटर हल्का सॉफ्ट होने लगेगी इसमें हम साबूदाना डालेंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट होने लगा है, अब हम साबूदाना डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अगर हम साबूदाना को मिक्स किए बिना ही नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं तो वो साबूदाना में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, एक ही जगह पर जमकर रह जाएगी। साबूदाना को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इसमें 1 टीस्पून मूंगफली का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट भून लेंगे।
हमारी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल ही चिपक नहीं रही है, दाना दाना अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही खिली खिली सी बनी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे, कटे हुए धनिया पत्ता डालकर हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा खिला खिला साबूदाना खिचड़ी तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी रेसिपी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।